आप में से कई लोगों को पता होगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में फ़र्क क्या है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो जानवरों के मांस को खाते हैं, लेकिन क्या आपको वीगन और वेजिटेरियन में फ़र्क क्या है आपको पता है, और ये वीगन मिल्क क्या होता है? तो चलो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम जनरली उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं जो जानवरों का मांस नहीं खाते। वेजिटेरियन में भी कई सारे प्रकार है, जैसे कि जो लोग जानवरों का मांस नहीं खाते लेकिन डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध दही और अंडे खाते उन्हें लैक्टो ओवो वेजिटेरियन कहते हैं। जो लोग जानवरों का मांस नहीं खाते और अंडे भी नहीं खाते लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें लैक्टो वेजिटेरियन कहा जाता है। तीसरा टाइप है ओवो वेजिटेरियन। ये वेजिटेरियन लोग अंडे को छोड़ के जानवरों से बना हुआ कौन सा भी प्रोडक्ट को नहीं खाते, ये सिर्फ अंडे खाते है। अभी हम बात करते हैं वीगन्स की। वीगन्स उन्हें कहा जाता है जो जानवरों का मांस नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, यहाँ तक कि शहद को भी वो नहीं खाते। और तो और जानवरों से बनी हुई चीज़ें होती है जैसे कि लेदर, फर, इनका भी इस्तेमाल वो नहीं करते। इन शॉर्ट जानवरों से बनी हुई कौन सी भी चीज़ को वीगन्स इस्तेमाल नहीं करते। आप में से कई लोगों ने वीगन मिल्क के बारे में सुना होगा। वीगन मिल्क को प्लांट बेस्ड लिक्विड भी कहा जाता है। वीगन मिल्क को इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बनाया जाता है और आपको मार्केट में कई तरीके के वीगन मिल्क मिल जाएंगे, जैसे कि कोकोनट मिल्क, राइस मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क एक्सेट्रा। और वीगन मिल्क जो होता है वो काउ मिल्क से ज़्यादा महंगा भी होता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन करो।